Now, dear students, let us see the sum, how to simplify, how to get the value of x. So the first thing we'll do is we'll square both the sides. Now if you square both the sides, you will get this value. You are squaring both the sides. ठीक है, तो अब जब आप स्क्वायर करोगे तो ये वाला जो रूट का साइन है, दिस मीन्स वन अपॉन टू इंटू टू, दैट विल गिव यू दिस टू. बात समझ में आ रही है? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है टू रेस टू द पावर वन बाई टू. ठीक है, ये रूट टू ले रहे हैं आप, इसको छुपा लीजिए. हाइड दिस थिंग, यू हैव टू हाइड दिस पार्ट. ओके, सो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ टू होल स्क्वायर? इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ टू होल स्क्वायर मीन्स वन अपॉन टू इंटू टू. सो दैट विल गिव यू द आंसर एज टू. सो व्हाट डू वी राइट हियर? टू. ओके, अब टू लिख लिया आपने, अब ये बाकी का पार्ट हम रूप में लिख रहे हैं. दिस टू, उसके बाद आपका आ गया ये वाला टू. ठीक है, उसके बाद वाला आ गया आपका ये टू, एंड अल्टीमेटली दिस टू. गेटिंग दैट? दिस इज एक्स स्क्वायर. अब यहां पे वी विल गो फ्रॉम दिस साइड एंड मूव ओवर टू हियर. नाउ हाउ डू वी मूव फ्रॉम दिस साइड? वी विल हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस बोले तो, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एक्स रेस टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेस टू द पावर एन, दैट इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एम प्लस एन. दिस लॉ ऑफ इंडाइसेस यू विल हैव टू मेक यूज नाउ इफ यू मूव फ्रॉम दिस साइड. ठीक है, सो लेट अस follow the color code strictly. 2 as it is, then you have square root of 2, then you have multiplied by another square root of 2, and then you have multiplied by another square root of 2, and this ye root 2 ko main likh rahi hu is tarike se. मल्टीप्लाइड बाई टू रेस टू द पावर वन अपॉन टू. स्क्वायर रूट ऑफ टू का मतलब अभी मैंने आपसे बताया है कि मतलब होता है टू रेस टू द पावर वन अपॉन टू. सो दिस इज इक्वल टू योर एक्स स्क्वायर. नाउ लेट अस फॉलो द लॉज ऑफ इंडाइसेस. हियर द पावर इज वन, सो ए रेस टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाय ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम प्लस एन. तो इस पर आप ये लॉ अप्लाई करोगे. ओके, सो नाउ आवर ग्रीन विल बी रिमूव्ड एंड नाउ वी विल गो फॉर इन दिस मैनर. टू इंटू रूट टू, इन साइड इट अनदर रूट टू, एंड दिस आई विल राइट इट एज टू रेस टू द पावर वन प्लस वन अपॉन टू, which is equal to your x square. Ab now the denominators are unlike, so you will go for cross multiplication. So you will get over here, aapko yahan milega 2 into square root of 2, square root of 2, root of 2 raised to the power, 2 ones are 2, प्लस वन हो गया थ्री, थ्री अपॉन इज इक्वल टू योर एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप. टू वन जा टू प्लस वन, थ्री अपॉन टू. अब हम ये रूट की साइन निकालेंगे, ये रूट की साइन निकालेंगे. तो अब आप देखिए क्या होता है. द आंसर विल कम आउट टू बी इन दिस मैनर. टू, देन यू हैव स्क्वायर रूट ऑफ टू, अनदर रूट टू, है ना.
अब ये रूट टू आप निकाल रहे हैं, सो दिस विल बिकम 2 रेस टू द पावर 3 अपॉन 2 जैसे के वैसी, और ये रूट का मतलब है रेस टू द पावर 1 अपॉन 2, स्क्वायर रूट का मतलब ये रेस टू द पावर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू योर एक्स स्क्वायर. सो व्हाट डू यू गेट हियर नाउ, अगेन 2, देन अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन यू हैव स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसका हो गया है 2 रेस टू द पावर 3 1s are 3 and 2 2s are 4, सो 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू योर एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे पावर क्या है आपका 1, फिर से हम उसी तरह लॉज ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करेंगे, ए रेस टू द पावर एम और एक्स रेस टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एम प्लस एन, यही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे फिर से. सो नाउ व्हाट डू वी गेट हियर, 2 into square root of 2 into root of 2 raised to the power 1 plus 3 upon 4 is equal to your x square. अब फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो what do you get here? You will get 2 into square root of 2 into root of 2 raised to the power 4 ones are 4, 4 plus 3 7, 2 raised to the power 7 upon 4 is equal to your x square. Now अब फिर से हम ये रूट की साइन हटाएंगे, तो ये रूट की साइन अगर आप हटाते हो तो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट, इट विल बी 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड इनटू दिस 2 रेस टू द पावर 7 अपॉन 4 एज इट इज, और ये रूट की साइन आप हटा रहे हो तो रेस टू द पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू योर एक्स स्क्वायर. नाउ कम अगेन, यू हैव 2 into root square root of 2 that will give you into 2 raised to the power 7 ones are 7 4 twos are 8 that is equal to your x square. ठीक है, अब फिर से सिंप्लीफाई करेंगे आगे हम यहाँ पे, so now it is 2, I'm taking this way, okay, I'm moving this way, so 2 into root 2 yani 2 raised to the power 1 multiplied by 2 raised to the power 7 upon 8 that is equal to your x square. Ab phir se aap bases are same, powers are added, so you will get now 2 root of 2 raised to the power 8 ones are 8, 8 plus 7 that is equal to 15 upon 8 is equal to your x square. Now we will remove this root sign, so it will be 2 into 2 raised to the power 15 upon 8 raised to the power 1 upon 2 is equal to your x square. So here it is 2 raised to the power 1 into 2 raised to the power 15 upon 16, 8 2s are 16. फिर से बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, सो इट विल बिकम 16 वन्स आर 16 प्लस 15, 16 एंड 15 इज 31 अपॉन 16 इज इक्वल टू योर एक्स स्क्वायर. हो गया, अब देखो आपको चाहिए एक्स की वैल्यू, यानी आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेस टू द पावर 31 अपॉन 16 इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. So the answer comes out to be 2 raised to the power 31 upon 16 raised to the power 1 upon 2. इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x. So what do you get the value of x as? X will be equal to 2 raised to the power 31 ones are 31 and 16 twos are 32. This is the answer. So what is the value of x? It will be 2 raised to the power 31 upon 32. I hope you understood the sum. Any doubt if you have, kindly put it in the comment section.